देखो सबसे पहले हमने एंगल देखे थे, एंगल आपको देखने से अंदाजा होता है ये क्या है, 45 का एंगल, 45 ये एंगल कौन सा है, 90, 190 का, 90 और ये एंगल कौन सा ऐड हो रहा है, 90 वाला 135, और प्लस 45, ये क्या हो गया 135, 35, तो इसका मतलब है 45 45 45 इंक्रीज हो रहा है, तो नेक्स्ट में एंगल कौन सा आएगा 180, 180 का एंगल नीचे पिक्चर में कौन कौन से बॉक्स में है, बी और जी में। बी, यहाँ समझ आ रही है, नो सर। देखो एंगल्स का पता है आपको, सर ऊपर वाले एंगल क्लियर है, लेकिन सर नीचे वाली जो पिक्चर तो जो ऑप्शन है उनमें क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा चलो वो भी कर देते हैं। देखो एंगल, अब नेक्स्ट एंगल बनेगा 180 का, तो 180 का एंगल होता है ये, अगर पॉइंट है ये 180 का एंगल होता है बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ जी सर, ठीक तो उसका मतलब है कोई भी है। जो अब लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, इसके अंदर कोई एज नहीं होगा, कोई टर्न नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन सर कहाँ मैं कहाँ आता पर हूँ आई, एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ पर आई हुई, बी में और बी डी में, बी में आई है और कहाँ आई हुई है, जी जी में, ठीक है, तो इसका मतलब है अब हमें ये पता लग गया कि हमारा जवाब या तो बी होगा या जी होगा, सर। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा होगा, तो सेकंड चीज हम क्या देख रहे हैं कि जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये देखो ग्रीन में डॉट लगाया, ये मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट में ये कहां पर आएगा, ये सर्कल के इस जगह पे आएगा उस स्क्वायर के डी में, बी में, ये बी से पिक्चर स्टार्ट होगी, कौन सा जवाब हुआ बी, जी उस्मान, क्लियर है यस सर, आरिस, चलिए जी सर क्लियर आगे चलें, देखो है। यस जी ये क्या, ई है, ठीक है, लॉजिक क्या है, इंटरनल चीजें अलग हो रही हैं, फिर ये दूसरे में तो ये प्लस होता है, ये शेप प्लस हो रही है और आउटर शेप्स खत्म हो जाती है, ठीक है सर। यहां पर अगर ये प्लस हुआ, आउटर शेप थी स्क्वायर वो खत्म हो गई, नीचे ये और ये चीज ऐड हुई तो दोनों आउटर शेप खत्म हो गई, ठीक है, ठीक है, अब जब ये दोनों प्लस होंगी तो दोनों आउटर शेप कौन सी है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल, ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, एक डंडा, सर एक लाइन, ठीक है, और वो कौन सा ऑप्शन है ई जी, किसी को समझ आई या गई, गई है समय ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इस बाद हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे फिर क्लास क्लोज है, जी सर।
डी सर डी डी इस क्वेश्चन की अगर आपने लॉजिक समझ ली ना तो आप 50% समझे प्रिपेयर हो गया नॉन वर्बल सर जी ए है ए ठीक है एक डी ऑप्शन आ गया एक ए ऑप्शन आ गया उस्मान और ज़ैफ़ा सर जी मेरे दो ऑप्शन है ई है और ए है दो ऑप्शन तो नहीं होते ना ई और ए चलो ई और ए ठीक है सी और ए अच्छा मुझे बताओ पहले में ये शेप कौन सी है सर्कल यस एक सर्कल आ गया एक ट्रायंगल आ गया फिर एक आपके पास स्टार आ गया एक आपके पास प्लस का साइन आ गया एक मल्टीप्लाई का साइन आ गया एक बॉक्स आ गया ठीक है ऐसे ही है टोटल कितनी शेप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहली रो में सारी शेप्स आई हुई हैं सर्कल भी है ट्रायंगल भी है स्टार भी है प्लस भी है मल्टीप्लिकेशन भी है और स्केयर भी है ऑल शेप्स आ गई दूसरे में बॉक्स भी आ गया प्लस का साइन भी आ गया मल्टीप्लिकेशन साइन भी आ गया सर्कल भी आ गया स्टार भी आ गया ट्रायंगल भी आ गया तीसरे में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया स्टार आ गया बॉक्स आ गया ट्रायंगल आ गया तो क्या रह गया प्लस का साइन और सर्कल का साइन रह गया क्या जवाब हुआ ई E. 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 Yes, sir. Clear है आहाद yes, sir. हाँ जी सर क्लियर है सर चलें ये दोनों लगता है माइक इनके ऑफ है उस्मान चलें नेक्स्ट चलते हैं बहुत कंप्रेस है सर ये इसमें सर वो लाइंस है तो उसके ऊपर स्क्वायर बन रहा है ये आपने सिंपल इसमें देखनी है कन्वर्जन देखो फ्रंट की चीज तो रिपीट हुई है इसका मतलब है फ्रंट शेप तो हमारे पास प्लस ही आएगी और वो प्लस आ रहा है प्लस आपके पास आ रहा है बी में डी में ई में एफ में एफ में ठीक है अच्छा, अब उसके बाद दूसरी चीज अब आपने ये देखनी है कि जो आपका लाइन वाला एरिया था ऊपर हाँ जी जी ठीक है लाइंस वाला ये लाइंस वाला जो एरिया था ये कन्वर्ट हो गया अब बॉक्स में जो आपका ग्रे एरिया था वो आपका कन्वर्ट हो गया ब्लैंक में तो इसका मतलब है नेक्स्ट ये चीज आपकी ब्लैंक में कन्वर्ट होगी ये चीज बॉक्स में कन्वर्ट होगी तो ब्लैंक आ रहा है एफ में ऊपर जी और बॉक्स आ रहा है एफ में तो कौन सा ऑप्शन हुआ एफ क्लियर है ठीक है यस सर चलें जी